जो हमारे विकास का जो भवन है, उस भवन की इमारत और उसके कंगूरे तो हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उस वो किस नींव पे टिका है, वो नींव हमें दिखाई नहीं देता। गहराई से देखने पर दिखाई देती है, बशर्ते वो नजर, वो गहराई, वो अपनापन, वो आत्मीयता हम सब में बचा हो और देखने की गुरज रखते हैं। नहीं तो सब कंगूरे और इमारत को देखकर चले जाते हैं, नींव की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आप सभी स्वीकार करते होंगे कि हमारे ज्ञान या हमारे विकास की जो परंपरा है, या हमारे जो मूल जो विकास हुआ है, वो मौखिक परंपरा से हुआ है। जो मौखिक परंपरा है, आज भी आदिवासियों के पास उसी रूप में, उसी मूल रूप में सुरक्षित है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रभावित होती जा रही है। आदिवासी सृष्टि का पहला रचयिता रहा है, यानी हर चीज की खोज करने वाला आदिवासी है। इसी संबंधित मेरी कविता है, मैं इसको अपनी मूल ढूंढाड़ी में ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये हिंदी से संबंधित है, आप सब समझ पाएंगे आसानी से, और समय की बचत भी होगी, सबको समय भी मिलेगा। खोज करबाड़ो आदिवासी, यानी आदिवासी निरंतर खोज करता रहता है। संसार में पहलो बीज खोजो छे आदिवासी ने, परख कर बीज नहीं तो उगायो छे, उगवा का सही तरीका से ही तो फसल करवे लागो छे, फसला से ही तो उन्हें अन्न को भंडार सहेजो छे, वो भंडारा से ही तो आबाड़ा काल को फसल चक्र बनायो छे, जीपा को आधार अन्न की विराट शक्ति जानो छे, संसार में बरसात का नेम ने आदिवासी ही सुलझायो छे, पहली बार घटा ने देख कर थोड़ो घबरायो छे, बादला का टकरावा से बिजली को खतरो जानकर, बरसात की बूंदा ने बड़का को रूप जानो छे। प्रकृति को आज भी आदिवासी अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, और ये हमारे जीवन की वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि जल, प्राणवायु और खाद्य पदार्थ हमें प्रकृति दे रही है, न कि हमारी डिग्रियां, न हमारा ज्ञान, न हमारा विकास। मैं को डरानो रूप व डोंगरा में रे वो सीखो छे, सूरज का उगास से टेम को नीम नेम बनायो छे, चांद तारा से वो ब्रह्मांड को राज जानो छे, चट्टाना पर वो अपना ज्ञान ने रेखांकित कर गड़ियो छे, हिवड़ा से उठो भाव कंठ से फूट कर होटा से निकलियो छे, सुरताल की ले से अपना ज्ञान ने सहेजो छे, अनमोल धरोहर ने पीढ़िया दर पीढ़िया बहायो छे, अपना अनुभव ने तांबा का पत्ता पर लिपि रूप में उकेरियो छे, सगला अनुभव का ज्ञान ने प्रथम ग्रंथा में समायो छे, मानवता को पहलो संकेत करवाड़ो, बोलवाड़ो, लिखवाड़ो गुरु बन्यो छे, उनका ही ज्ञान का प्रकाश से अंधकार छट्यो छे, ई धरती को पहलो रचनाकार, खेती करवाड़ो किसान, चित्र बनावाड़ो चित्रकार, इतिहास लिखवाड़ो इतिहासकार, गीत गावाड़ो गीतकार, और नाचवाड़ो नृत्यकार, और खोज करवाड़ो आदिवासी ही रियो छे, आज भी छे और काल भी रेवेलो।